तो देखो, लास्ट क्लास में हम लोग बात किए थे ना व्हीटस्टोन ब्रिज के बारे में। अब देखो, व्हीटस्टोन साइंटिस्ट थे ना, उन्हीं के नाम पे एक बात हुआ था ना ये सब चीज। देखो, लास्ट क्लास में शायद चर्चा किया था, मैं थोड़ा सा रिकॉल करा देता हूँ कि इसी कंसेप्ट पे बेस्ड है मीटर ब्रिज ना, थोड़ा ध्यान देना, याद करना। ए रेजिस्टेंस होता था ना, एक रेजिस्टर जिसका रेजिस्टेंस कितना बाबू हम लोग सपोज किए थे, याद है हमने आर वन माना था ना, और यहाँ पे एक रेजिस्टर होता था जिसका रेजिस्टेंस कितना माने थे, आर टू। अच्छा, इधर एक आया था रेजिस्टर, उसका रेजिस्टेंस कितना, आर थ्री, और यहाँ पे एक रेजिस्टर होता था इसका रेजिस्टेंस कितना, आर फोर। शायद यही माने हुए हम लोग ना। अच्छा, यहाँ पे क्या लगा हुआ रहता था, गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस कितना सपोज किया था हमने, जी। अब देखो, याद करो, एग्जैक्ट यही ना था व्हीटस्टोन ब्रिज। अच्छा बाबू, ध्यान दीजिए, अब होता क्या था, आर वन आर टू, हम लोग को ब्रिज बैलेंस करना था, मतलब इसके अक्रॉस जो करंट दिखलाना होता था वो क्या दिखलाना होता था, आई जी इक्वल्स टू जीरो। हम लोग क्या करते थे, तो वैल्यू निकालते थे, जैसे अगर कोई एक दो रेजिस्टेंस दिया रहे, एक दो तीन, तो इसका फोर्थ का हम लोग वैल्यू निकालते थे। ये क्या था, अननोन रेजिस्टेंस, ये क्या है, अननोन रेजिस्टेंस, इसका वैल्यू हम लोग को फाइंड आउट करना होता है। कोई भी अननोन रेजिस्टेंस हो सकता है, चार में से अगर कोई भी तीन पता चल जाए और इसके क्लोज डिफ्लेक्शन जीरो रहे, तो खुद ब खुद तो निकल ही जाएगा ना। देखो, ए आर थ्री को हम लोग रखते थे, आर वन आर टू हमारे पास गिवन रहेगा, रेजिस्टेंस जो रहेगा ना, आर वन जो है और आर टू फिक्स्ड रहेगा। जैसे आर वन अगर मान लिए 6 ओम, तो आर टू भी क्या रहा होगा, कुछ मान लेते हैं 11 ओम या 12 ओम रहा, तो आर वन और आर टू जो है फिक्स्ड रहेगा, मतलब वो हमारे पास नॉन रेजिस्टेंस है। तो बोला जाएगा कि कौन कौन सा रेजिस्टेंस नॉन है आपके लिए, याद रखिएगा नॉन रेजिस्टेंस कौन कौन सा रहा बाबू, तो आर वन एंड आर टू क्या है, नॉन रेजिस्टेंस है। आर थ्री आपका वेरिएबल रेजिस्टेंस होता है, आर थ्री क्या है आपका, वेरिएबल रेजिस्टेंस। आर थ्री यहाँ जो होगा, दैट इज व्हाट, कौन सा बाबू, आर थ्री, दैट इज वेरिएबल रेजिस्टेंस। कैसा रेजिस्टेंस है, वेरिएबल रेजिस्टेंस। क्यों वेरिएबल, ध्यान दीजिए, जैसे आर फोर मुझे पता नहीं है, आर फोर का वैल्यू ही नहीं पता है, मुझे निकालना है, ठीक ना। मान लेते आर फोर पता है, जब भी कोई चीज अननोन होता है उसको क्या बोल देते हैं हम लोग, एक्स बोल देते हैं ना। अब इसका वैल्यू निकालना है तो क्या कीजिएगा आप, स्विच रहता है, ऑब्वियस है, स्विच को क्या करोगे, क्लोज करोगे। तो यहाँ से सेल से करंट निकला, करंट गया, यहाँ आया, जंक्शन मिला होगा उसको, करंट को पता है किधर किधर जाना है, कुछ करंट इधर जा रहा होगा, कुछ करंट इधर जा रहा होगा, फिर यहाँ पे आने वाला जो यहाँ से जो करंट आएगा उसका फिर क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूशन होगा इस जंक्शन पे, वो करंट का कुछ पार्ट इधर जाता है, कुछ पार्ट इधर जाता है, बात समझ रहे। तो जो करंट इधर आ रहा है उसको हम लोग को क्या करना है, ध्यान में रखना है कि किसी तरह इसका जो है आईजी का वैल्यू हो जीरो हो जाए, और आईजी का अगर वैल्यू जीरो होगा तो गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन दिखलाना बंद कर देगा। तो उसके लिए आप क्या कीजिएगा, आर वन का वैल्यू पता है, आर टू का वैल्यू पता है, एक्स मान लेता हूँ कोई उठा करके दे दिया, कोई भी एक रेजिस्टर दे दिया, चलो इसका रेजिस्टेंस बताओ कितना होगा, अरे समझ में आ रहा है। तो आप क्या कीजिएगा, आर वन पता है, आर टू पता है, एक्स पता नहीं है लेकिन है सर्किट में आपके पास है, तो आप रखे हो इसको, आर थ्री का वैल्यू खुद ब खुद एडजस्ट करोगे। अब आर थ्री का वैल्यू वेरिएबल है, मतलब उसको आप एडजस्ट कर सकते हो, ये आपके अनुसार ना एडजस्ट हो रहा है आर थ्री भी, तो आप उसको एडजस्ट करते जा रहे हो, करते जा रहे हो, ऐसे एडजस्ट करो जिससे गैल्वेनोमीटर दिखलाना बंद कर देगा, गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन दिखलाना क्या कराओ, बंद कर देगा, बात समझ में आ रहा है। तो अगर गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन दिखलाना बंद कर देगा उस समय आई जी जीरो हो गया। अब आई जी जीरो हो गया तो उस केस में जो रहा वो ब्रिज क्या हो गया, ये वाला बैलेंस हो गया। तो वहां पे अगर आपको पता चल गया कि R1 अपॉन R2 इसके बराबर है, R3 अपॉन R4 के बारे में यही ना होता है, जी ब्रिज अगर बैलेंस हुआ, अगर IG क्या रहा बाबू, इफ IG इक्वल्स टू जीरो, देन व्हाट विल हैपन टू दैट, दिस R1 अपॉन R2 विल बी इक्वल टू R3 अपॉन R4। R3 तो आप एडजस्ट करके रखे हो, R4 पता था आपको, नहीं पता है, अननोन पता है ना, तो जब R1 R2 का वैल्यू पता चलेगा तो R4 का वैल्यू पता नहीं चल जाएगा। तो इससे आप क्या कर लोगे, आर फोर का वैल्यू नहीं निकाल लोगे यहाँ पे बाबू, यही व्हीटस्टोन ब्रिज करता है। व्हीटस्टोन ब्रिज क्या करता है, यही रोल प्ले करता है। इसमें समझाने की जरूरत है क्या, याद है लास्ट क्लास में डिराइव भी किए थे हम लोग रिजल्ट, यहाँ से कितना करंट निकला मान लेते हैं समझाने के लिए, बताओ यहाँ से करंट कितना निकला था आई, अरे है ना,
यहां पे आया तो इधर करंट कितना गया बाबू, मान लेता हूं कितना, आई वन बोल दूं या फिर आई वन इधर बोला था, याद नहीं है मुझे, जो भी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इधर आई वन गया तो इधर कितना करंट गया होगा जी, आई माइनस आई वन। अब यहाँ पे आई वन करंट आया तो इधर आई जी करंट अगर गया है मैं बोल रहा हूँ तो इधर कितना करंट गया होगा, आई वन माइनस आई जी, अरे यही ना। अच्छा ये आई माइनस आई वन है, इधर से आ रहा है आई जी तो इधर कितना करंट गया होगा जी, आई माइनस आई वन प्लस आई जी, अरे यही करंट ना गया होगा यहाँ पे, फिर यहाँ पे आई ही करंट ना हुआ होगा, ऐसा तो पढ़ा हुआ आप लोग। तो ये तो आसान ना रहा आपके लिए, ये पता नहीं था। चलो आर वन अपन आर टू तो पता है ना आपको, आर वन अपन आर टू तो पता है ना, आर थ्री भी पता है आपको, आर थ्री भी तो पता है, पहले वेरिएबल है, वो वेरिएबल आपके अनुसार वो क्या करो उस रेजिस्टेंस को आप वेरी करा रहे हो, लेकिन वो पता तो है ना आपको। तो अगर आर थ्री भी पता है, इसका मतलब आर वन आर टू आर थ्री भी पता है, तो आर फोर तो आसानी से निकाल लोगे ना। क्यों, उसके लिए क्या कंडीशन लाना है आप लोग को, बस गैल्वेनोमीटर के अक्रॉस करेंट क्या है वो जीरो दिखलाना है। वो करेंट जीरो कैसे होगा, तो आर थ्री को वेरी करा के एडजस्ट करेंगे, आर थ्री को क्या करेंगे एडजस्ट करेंगे। ये क्या था, पी टेस्ट ऑन बेस का प्रिंसिपल, याद रहेगा ना। चलिए अब अगर इसी चीज पे, अगर इसी कंसेप्ट में बार बार बोलूंगा, और समझना जरा, कोई भी डिवाइस अगर पढ़ रहे हैं आप तो किताब तो पढ़ाया ही है और किताब में सब चीज दिया है, बस उसको समझना है अपने वे में ना। एग्जैक्टली पी टेस्ट ऑन ब्रिज पे ही बेस्ट है मीटर ब्रिज, एग्जैक्टली किस पे बेस्ट है बाबू, पी टेस्ट ऑन ब्रिज पे ही बेस्ट है मीटर ब्रिज। समझ में आ रहा है, मीटर ब्रिज इसी पे बेस्ड है, क्या है याद रखना, वी टेस्टनल ब्रिज पे एग्जैक्टली है बेस्ड ना। देखो इसको पहले थोड़ा समझो क्या होगा, याद करो मैं तुम लोगों को पढ़ाया था थर्मल कोफिशियंट ऑफ रेजिस्टिविटी, कुछ ऐसे एलॉय होते थे जिसका थर्मल कोफिशियंट ऑफ रेजिस्टिविटी ऑलमोस्ट जीरो होता था, याद है, नाइक्रोम, कॉन्स्टेंटन, मैंगनी, यही सब चीज ना था जी। वो ऐसा क्यों, क्योंकि उन लोग का अगर उस पर अगर रब भी करेगा या उसको कहीं पे भी ले भी जाओ, थोड़ा बहुत रब करा आ जाएगा या फिर जॉकी वगैरह को उस पर चलाओगे तो हीटिंग इफेक्ट होगा, हीटिंग इफेक्ट की वजह से क्या होता है रेजिस्टेंस बढ़ता है कंडक्टर का, लेकिन अगर अल्फा जीरो हो ऑलमोस्ट तो रेजिस्टेंस में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो देखो मीटर ब्रिज को थोड़ा समझो, मीटर ब्रिज का जीरो इंड किसको बोला गया पता चल रहा है ना, पॉइंट ए क्या है जीरो इंड, या फिर बोल सकते हो पॉजिटिव इंड भी बोल सकते हो ना, जीरो इंड बोलिए या फिर पॉजिटिव इंड बोलिए। अब देखो कुछ भी नहीं मान करके चलना है, सर्किट की तरह ट्रीट करोगे ना, ये सब बनाने की कोई जरूरत नहीं, पता चल गया दो गैप, इस गैप और इस गैप की बात करता है, यही ना मीटर ब्रिज का दो गैप है जी, एक ये गैप है और एक ये गैप है, ये तो वायर है ना, वायर का लेंथ कितना है 1 मीटर, तो अगर बोलेगा बैलेंस पॉइंट 1/3 मीटर पे मिला तो इधर वाला कितना हो जाएगा 1 माइनस 1/3 मीटर, अगर कोई बोला बैलेंस पॉइंट 20 सेंटीमीटर पे मिला तो इसका मतलब ये वाला 80 सेंटीमीटर हो गया, अरे यही ना हो रहा होगा, एक क्या जॉकी को ही ना स्लाइड करा रहे हो इस पे। अब चलो फर्स्ट क्वेश्चन बोलो क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन बताइए, पढ़ो विनीत क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पढ़ो तो क्या कह रहा है समझ में आ रहा। देखो जैसे अगर ये देखो यही है ना पहला चीज, देखो यहाँ पे ध्यान देना, पहला गैप आप समझो जरा, इस बहुत इजी चीज है ना, ये सब ऐसे ही ना है जी, ये वाला देखिए इसमें नहीं जाएगा, जॉकी वगैरह नहीं बनाऊंगा, गैल्वेनोमीटर नहीं बनाऊंगा, आप खुद समझ जाओगे ना, यही है। अब देखो यही वायर है यहाँ पे, क्या है वायर है ना, बोला गया है पहला गैप में कितना रेजिस्टेंस डाला गया है बताइए जरा, 2 ओम, और दूसरा में कितना रेजिस्टेंस है मुझे नहीं पता है शायद ना, लेकिन 2 ओम से ज्यादा है, क्या है 2 ओम से ज्यादा है, मैं मान लेता हूँ 1 ओम रहा, अननोन है हमारे लिए, अरे कोई दिक्कत, देखो जीरो इंड है, अभी जॉकी कहाँ पे, यहाँ पे जॉकी कहाँ पे है यहाँ पे, तो बोला हो गया होगा नल पॉइंट तो कहीं मिला होगा ना, नल पॉइंट कहाँ पे मिला, जैसे अगर इसको जॉकी को स्लाइड करा रहे होंगे इसके ऊपर, तो अगर एल पे मिला तो वाले 100 माइनस एल पे मिला होगा, तो मैं मान लेता हूं कि पहला केस, केस वन में ध्यान देना जरा, अगर नहीं समझ आएगा तो फिर पूछना मैं समझाऊंगा, जॉकी को स्लाइड कराया तो जॉकी को पता चला कि एल लेंथ पे जाकर के जो है गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन नहीं दिखला रहा है, मतलब 100 माइनस एल रहा होगा ना, तो बताइए पहले केस में क्या रहा होगा, 2/x जो रहा होगा, 2/x जो रहा होगा किसके बराबर रहा होगा, एल अपॉन 100 माइनस एल रहा होगा कि नहीं, अरे कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, समझ आया पहला केस, केस वन।
अब बताओ केस टू, बताओ केस टू क्या है, पढ़ो जी बाबू आप। अब रेजिस्टेंस को इंटरचेंज कर दिया गया, मतलब एक सोम को यहां ले आया गया, एक सोम को क्या है केस वन में ये था, एक सोम को अब कहां ले आया गया, देख रहे हो ना, एक सोम को अब यहां ले आया गया और यहां पे क्या होगा टू ओम को ले गया गया, समझ रहे हैं ना। तो अब क्या कह रहा है, अब देखो बैलेंस पॉइंट 20 सेंटीमीटर से शिफ्ट कर गया, मतलब ए वाला एल था तो इसका मतलब या तो ये एल माइनस 20 हो गया होगा या तो एल प्लस 20 हो गया होगा। तो अगर मैं मान लेता हूं इंटरचेंज करा गया, मतलब ए एक्स बाई टू हो गया, क्या हो गया, पहले एक टू बाई एक्स था ना जी, सॉरी देखो एक्स बाई टू लिखना चाहिए था ना यहाँ, देखो ए एक्स बाई टू ना होता, एक्स बाई टू इक्व टू एल अपॉन 100 माइनस एल ना, ये तो पढ़ा हुआ है ना जी, आर वन अपॉन आर टू इक्व टू ए होता ना, एक्स बाई टू इक्व टू एल बाई 100 माइनस एल। अब क्या क्या करा गया है, ए शिफ्ट कर गया 20 से, तो अब क्या हो गया देखो, अब ए वाला एक्स यहां पे आ गया ना, अरे यार पहले तो सही था ना, दूसरे केस में चले गए। चलो देखो पहला केस में क्या था, यही था ना जी, ये टू ओम था ना, क्या था तो टू अपॉन एक्स जो था वो किसके बराबर था बताइए बाबू, एल अपॉन 100 माइनस एल ना, ये पहला डायग्राम था, समझ में आया ना पहला डायग्राम। अब दूसरे डायग्राम में क्या हो रहा है, देखो दूसरे डायग्राम में ए वाला कहाँ पे आ गया, आप यहाँ देखो एक्स यहाँ पे आ गया और ए वाला क्या है, ए टू ओम यहाँ पे आया और ए जो लेंथ है वो क्या हो गया होगा बताओ, एल प्लस 20, एल प्लस 20 तो ए कितना रहा होगा बताइए, 80 माइनस एल नहीं रहा होगा, अरे कोई दिक्कत, क्योंकि अगर ए एल है तो 100 माइनस एल, तो ये वाला एल प्लस 20 तो 80 माइनस एल ही ना होगा, क्योंकि दोनों का लेंथ 1 मीटर ही ना रहना है, 100 सेंटीमीटर ही ना रहना है। तो अब क्या हो गया बताइए, एक्स अपॉन टू जो रहा वो किसके बराबर हो गया, एल प्लस 20 अपॉन 80 माइनस एल, बताइए मीटर ब्रिज का कोई कमाल है इसमें, अरे यार तो सर्किट ग्रेविटेशनल ब्रिज हो गया ना। अब आप निकाल लो, ये फर्स्ट है और ये सेकेंड, क्या निकालना है बताइए, एक्स का ही वैल्यू निकालना है ना, अब सॉल्व करके नहीं निकाल लोगे आप। चलो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड देखो, टू बाई एक्स इक्व टू एल बाई 100 माइनस एल है, तो क्या हो गया, टू बाई एक्स एक्स बाई टू एल प्लस 20 अपॉन 80 माइनस एल है, तो आप तो निकाल ही लोगे ना, बताइए पहले एल का वैल्यू निकालिए पुट कर दीजिए, तो बताइए जरा यहाँ पे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, फिजिक्स यहीं तक है, इसके बाद फिजिक्स नहीं मैथ्स का कमाल अब आएगा ना, बताइए एल बाई 100 माइनस एल, अरे है इक्व टू, बताइए जरा यहाँ पे ये टू बाई एक्स है तो ये वाला टू बाई एक्स कितना हो जाएगा, 80 माइनस एल अपॉन एल प्लस 20 होगा क्या, अरे कोई दिक्कत, अब इसको सॉल्व करो, ये क्या हो जाएगा एल स्क्वायर प्लस 20 एल, अरे होगा इक्व टू 100 माइनस एल इंटू व्हाट, 80 माइनस एल, तो बताइए कितना हो गया। अब बताइए L का वैल्यू कितना आना चाहिए, L पूरा लेंथ कितना है जी, 1 ही मीटर ना है, L का लेंथ कितना है 1 ही मीटर ना है, L का लेंथ 1 ही मीटर ना है, बहुत गलत धारणा में है, ये L बैलेंसिंग पॉइंट है ना जी, पूरा ये वायर का लेंथ थोड़ा ही है, इसीलिए L का वैल्यू निकाला जा रहा है। तो अब बताइए एल स्क्वायर प्लस क्या 20 एल, सॉल्व करो इसको 100 × 80 कितना हो गया जी 8000 ना, माइनस 100 एल माइनस 80 एल माइनस माइनस प्लस एल स्क्वायर, एल स्क्वायर एल स्क्वायर उड़ गया, अच्छा ये 180 और 20 तो 200 एल आ गया क्या, ये 200 एल आया, 180 इधर ले आओ 200 एल इक्वल्स टू क्या 8000 ना, तो एल इक्वल्स टू 40 आया क्या, तो ये 40 सेंटीमीटर आ गया। अब किसी पे पुट कर दो, निकाल लो फ्रॉम फर्स्ट, क्या हो गया बाबू बताइए, 2 अपॉन एक्स इक्वल्स टू क्या हो 40 अपॉन 60, 100 माइनस एल है ना 40, करोगे ना कितना हो गया बताइए, 2 और 1 3, एक्स इक्वल्स टू कितना आ गया, 2 2 कट गया ना 3 ओम, आंसर हो गया। बताइए बहुत बड़ा चीज है क्या, ये समझ आया ना, पहले केस में याद रखना क्या था, ये 2 ओम था 1 ओम था, बैलेंसिंग पॉइंट एल और 100 माइनस एल आया तो लिख दिया 2 अपॉन एक्स, अरे यही ना पढ़े हो, 2 बाई एल इक्वल टू एक्स बाई 100 एल, या 2 बाई एक्स इक्वल टू एल बाई 100 माइनस एल, यही ना। और दूसरे केस में क्या बोला, जब इंटरचेंज करा गया मतलब एक्स को यहाँ ले आया गया 2 को वहाँ, तो 80 से शिफ्ट 20 से शिफ्ट कर गया, मतलब एल अब कितना होगा, एल प्लस 20, तो ये वाला 80 माइनस एल ही ना होगा, यहाँ से भी कर सकते हैं,
ए प्लस 20 ऐड किए हो तो ये वाला 100 माइनस 20 करोगे ना तो 80 माइनस एल हो गया। फर्दर यू कैन, जैसे केस वन देखिए, क्वेश्चन जो है क्वेश्चन टू देखिए जरा, यहाँ पे समझिएगा जरा। केस वन में क्या दो गैप है ना, मतलब पहला गैप यही ना है जी बाबू, और दूसरा गैप कौन सा है ये है, बताइए क्या कह रहा है। दोनों गैप में कितना वायर लगाया बाबू, बोलो फिर से पढ़िए तो क्वेश्चन को एक बार। हाँ मैं मान लेता हूं दो है, समझ रहे हैं, ए अगर पी है, मान लेता हूं समझाने के लिए पी है, रेजिस्टेंस मान लेते हैं, और इसको क्या मान लिया हमने क्यू ओम है, ये कितना ओम है, पी ओम है और क्यू ओम है। तो बैलेंस पॉइंट जो आया पहला केस में कितना आया, क्या बोला जा रहा है, एल आया है क्या, 20 सेंटीमीटर, वेरी गुड। तो ये कितना रहा, ए 20 सेंटीमीटर रहा, कितना रहा 20 सेंटीमीटर, तो ये कितना रहा होगा बाबू 80 सेंटीमीटर। तो पहले केस में तो आ गया, पहला केस जो चले आप वहां पे P अपॉन Q किसके बराबर रहा, 20 अपॉन 80, क्लियर, केस वन खत्म, कोई दिक्कत। अब ये बोलोगे जीरो इंट से जॉकी वगैरह स्लाइड कराया गया है, बस यही याद रखना है, ठीक है। अच्छा अब सेकेंड केस, केस टू क्या बोल रहा है, केस टू बताइए तो बाबू, पढ़िए केस टू क्या बोल रहा है। हाँ, विद द स्मॉलर ऑफ द टू, मान लेते हैं इसके साथ अटैच कर दिया गया, पी के साथ कितना अटैच करा गया बताइए, 50 ओम, 15 या 50, तो ये सीरीज में जोड़ोगे तो जुटेगा ना जी, पी प्लस 15 ही ना, गौर करना, पैरेलल में रहता तो क्या करते, पी इंटू 15 अपॉन पी प्लस 15 करते ना जन्नत, लेकिन ये सीरीज में करा गया तो पी प्लस 15 ही ना होगा, गुड। यही दो गैप था, चलिए एक गैप ये हो गया, और दूसरा गैप में कुछ चेंज नहीं किया गया है ना बाबू, मतलब ये अभी भी क्यू ही ओम है, क्यू ओम है ना। अच्छा अब क्या कह रहा है, बैलेंस पॉइंट शिफ्ट कर गया है, कितना से, टू फोर्टी सेंटीमीटर, मतलब 240 सेंटीमीटर, मतलब 20 सेंटीमीटर से कहां तक चला गया, 40 सेंटीमीटर तक, ठीक है। तो इसका मतलब ये 40 सेंटीमीटर हो गया, समझ रहे हो ना, और तो अगर ये 40 सेंटीमीटर हो गया तो ये वाला कितना हो गया बाबू, 60 सेंटीमीटर, अरे यही ना, ये वाला वायर जो हुआ कितना रहा, 40 सेंटीमीटर, मतलब यहां तक ये 40 सेंटीमीटर, तो ये वाला कितना, 60 सेंटीमीटर हो गया कि नहीं। तो आप बता सकते हैं पी प्लस 15 अपॉन क्यू इक्व टू क्या हो गया बताइए, 40 अपॉन 60, नहीं समझ आया, अरे कर लोगे ना, पी और क्यू का वैल्यू निकाल लोगे ना, लो अब भी नहीं निकाल पा रहे हैं लोग, अब निकल जाएगा ना, ये फर्स्ट है और ये क्या सेकेंड, सॉल्व कर लो क्या आ जाएगा बताओ, सॉल्व करो, सॉल्विंग फर्स्ट एंड सेकेंड, ये सब भी मेरे से कराओगे तो फिर बेकार ही है, तब डॉक्टर नहीं बन पाइएगा आप लोग, गड़बड़ बात है। इसको क्या लिख सकते, P बाई क्यू प्लस 15 बाई क्यू, अरे लिख सकते हैं इसको मेरे बाबू लोग, P बाई क्यू प्लस 15 बाई क्यू इक्व टू क्या, 40 बाई 60, अब पुट कर दो, P बाई क्यू कितना है, 20 बाई 80 ना, 20 बाई 80 प्लस वाट, 15 बाई क्यू इक्व टू वाट, 40 बाई 60, तो क्या हो गया बताइए, 2 अपॉन 3 ए 1 अपॉन 4, तो 15 बाई क्यू इक्व टू 2 बाई 3 माइनस 1 अपॉन 4, तो 15 बाई क्यू इक्व टू क्या हो गया, एलसीएम कितना, 4 3 12 ना, कितना आ रही, 8 माइनस 3, तो 15 अपॉन q इक्व टू कितना हो गया, 5 अपॉन 12, तो ये q 36 ओम आया क्या, q ना, q 36 ओम आया क्या, तो क्या निकालना था, छोटा वाला, तो p निकाल लोगे ना, यहां से नहीं निकल जाएगा, जब q निकल गया तो p निकल जाएगा ना, p बाई क्यू किसके बराबर है बाबू बताओ, 1 बाई 4, तो क्या हो जाएगा, P by 36 equals to 1 upon 4, तो P equals to कितना है, 9 ओम आया क्या, तो छोटा वाला का ही ना वैल्यू निकालना होता, छोटा वाला आ गया, पता चला 9 ओम, आसान नहीं है। तो इस तरह मीटर ब्रिज पे एक दो और क्वेश्चन दिया हुआ है ना, वो बना करके लेते आइएगा, ठीक है, पढ़िए अच्छे से, जाकर प्रैक्टिस करना। हाँ आप लोग का होमवर्क है, मीटर ब्रिज पे लिख करके लेते आना असाइनमेंट के फॉर्म में ना, आप लोग मीटर ब्रिज लिख करके लेते आइएगा, ठीक है। मीटर ब्रिज क्या है, इसका प्रिंसिपल क्या है,
ये क्या किस किस चीज से मिलकर के बना हुआ है और इसका फंक्शन क्या है, स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी बताता भी है ना, ये स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी भी निकालता है ना, तो ये सब करके लाओगे, ठीक है? तो समझ आया, चलो अच्छा है, आज इतना ही ना।